वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी वीडियो का या किसी भी लेक्चर का पीडीएफ फॉर्म चाहिए, ठीक है, क्या पीडीएफ फॉर्म चाहिए, तो आप उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि अति संयुग्मन क्या होता है, या अति संयुग्मन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। कह रहा राइट ए नोट ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन क्या होता है ये आपको बताना है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की या अति संयुग्मन की। तो यहाँ पर होता क्या हाइपर कंजुगेशन में, हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है, एक आपका ऐसा सिस्टम होता है अनसेचुरेटेड, ठीक है। कैसा अनसेचुरेटेड सिस्टम होता है, यानी कि क्या मिलेगा आपको, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन। तो ये क्या होता है, इसमें इसका जो पी ऑर्बिटल होता है और इसमें जो आपका हाइड्रोजन रहा होगा, तो इस पर कैसा होगा आपका एस ऑर्बिटल होगा। तो पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ शिफ्ट होते हैं, थोड़े पी ऑर्बिटल की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है आपका इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर क्या कहलाता है, अति संयुग्मन कहलाता है, या हम इसकी को इसी को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। इसको रिजोनेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिजोनेंस भी कहते हैं। लेकिन कैसा रिजोनेंस होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का रिजोनेंस ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका एस ऑर्बिटल होगा उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पी ऑर्बिटल की ओर चले जाएंगे, ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जिससे कि इनमें क्या हो जाएगी, पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। तो देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है जब कोई कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध होता है, बंध किसी असंतृप्त कार्बन, ठीक है, जिस पे डबल बॉन्ड होता है, इसे हम कहते हैं असंतृप्त, क्या कहते हैं, असंतृप्त, ठीक। ये आपका असंतृप्त कार्बन हो गया, असंतृप्त कार्बन, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये भी असंतृप्त हो गया आपका, ये भी, ये आपका क्या हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये आपका हो जाएगा असंतृप्त कार्बन, ठीक है, या असहभाजित ऑर्बिटल, ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, असहभाजित ऑर्बिटल या असहभाजित इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो असहभाजित जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हों, ठीक है, के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, किसके साथ जुड़ा रहता है, असहभाजित इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल के साथ जुड़ा रहता है, तब कार्बन और हाइड्रोजन बंध, कार्बन और हाइड्रोजन बंध असंतृप्त पद्धति के साथ संयुग्मन कर लेता है, क्या कर लेता है, असंतृप्त पद्धति के साथ में संयुग्मन कर लेगा, ये वाला, ठीक है, ये असंतृप्त पद्धति है, तो इसके साथ में क्या कर लेगा, ये संयुग्मन कर लेगा, ठीक है, असंतृप्त पद्धति के साथ में। कह रहा है ऐसी स्थिति में कार्बन और हाइड्रोजन बंध, जो कार्बन और हाइड्रोजन बंध होता है उसका जो सिग्मा बंध होता है, ठीक है, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन कर लेते हैं, तो क्या होगा भाई, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ चले जाएंगे, द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या कर लेंगे, अति संयुग्मन कर लेंगे या संयुग्मन कर लेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ में। कह रहा है इसे हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं इसी को, ठीक है, इसे सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन, क्योंकि इस वाले जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसके कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा, और ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन से होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, ठीक। कह रहा है इसमें अल्फा कार्बन, अब ये अल्फा कार्बन कौन सा होगा, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन आपका क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड के पास वाला, तो ये कार्बन आपका कैसा हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के पास वाला, जस्ट पास वाला आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इसमें अल्फा कार्बन से असंतृप्त कार्बन की ओर, जो अल्फा कार्बन होता है वहाँ से असंतृप्त कार्बन की ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ये असंतृप्त कार्बन, ये आपका सिग्मा कौन सा, अल्फा कार्बन है, इससे कहाँ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, आपका असंतृप्त कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और साथ ही साथ द्विबंध का ध्रुवीकरण हो जाता है। अब ये जो डबल बॉन्ड होता है इसका कैसा हो जाता है, ध्रुवीकरण, यानी कि इस पर कैसा आ जाएगा, माइनस का चार्ज, और दूसरी स्पीसीज पर कैसा आ जाएगा, आपका प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनमें ध्रुवीकरण भी हो जाता है डबल बॉन्ड का। और कह रहा है
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में द्विबंध के पी ऑर्बिटल, कौन से पी ऑर्बिटल, और निकटवर्ती कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल के मध्य में अतिव्यापन हो जाने के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनों का होता है डीलोकलाइजेशन, देखो जो आपका द्विबंध का जो पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, द्विबंध का आपका जो पी ऑर्बिटल होगा इस वाले कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो क्या होगा, और उसके पास जो निकट वाला कार्बन है, उसके पास जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है उसका कौन सा होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा, ये वाला बॉन्ड आपका कैसा होगा, सिग्मा या एस ऑर्बिटल के मध्य में अतिव्यापन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में, एस और पी के बीच में क्या हो जाता है, अतिव्यापन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। अभी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो यहाँ से चले जाएंगे आगे की ओर, ठीक है, और उनका क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आपको कुछ इस तरह से दिखाया गया है जो कि यहाँ पर प्रदर्शित है। ठीक, ये देखो क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो आयनित रूप उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो आपके आयनिक रूप उत्पन्न होंगे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद में, इलेक्ट्रॉन जहां से एक जगह से दूसरी जगह, अगर यहां आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो इस पर कैसा आ जाएगा, माइनस का, यहां से जा रहे हैं तो इस पर कैसा आ जाएगा, प्लस का चार्ज आपका आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, आयनिक रूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आयनिक रूप उत्पन्न होते हैं। कह रहा है वे अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, उसी को हम अनुनाद कहते हैं, के द्वारा क्या कर लेते हैं, स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो कह रहा है प्रोपीन में सिग्मा और पाई संयुग्मन क्या है, हाइपर कंजुगेशन के फलस्वरूप उत्पन्न इसके आयनिक रूपों को नीचे प्रदर्शित किया गया है। तो कौन सा आपका है, प्रोपीन में सिग्मा और पाई हाइपर कंजुगेशन के फलस्वरूप आपका जो आयनिक रूप बना है उसको नीचे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अभी हम बताते हैं, कह रहा है इन्हें हाइपर कंजुगेटिव संरचनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हीं को, हाइपर कंजुगेटिव संरचनाएं, तो इसी को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेटिव और संरचना स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाती हैं आपकी, हाइपर कंजुगेटिव संरचनाएं कहलाती हैं। ठीक है, कह रहा है जिस प्रकार संरचना बन में एक हाइड्रोजन जिस पर धनावेश है, कैसा है, धनावेश होता है, उसका कार्बन से कोई बंध नहीं होता है, नीचे संरचना आपको एक मिलेगी यहाँ पर, उसमें कह रहा है कि जिस पर आपका कैसा होता है, धनावेश होता है, उसका कार्बन के साथ में कोई संबंध नहीं होता, यानी कि कार्बन के साथ कोई बंध नहीं होता, जब बंध टूटेगा जब ही इस पर कैसा आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कह रहा उसी प्रकार संरचना दो और तीन में भी एक हाइड्रोजन का कार्बन से कोई संबंध नहीं है, जिस प्रकार संरचना एक में हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज आ जाता है तो उसका कार्बन से कोई लिंक नहीं रहता है, उसी तरह से संरचना दो और तीन में भी एक हाइड्रोजन का कार्बन से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ये बेसिकली आपको दिखाया गया है कि ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड है डबल, तो मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो इसी का ये कौन सा है आपका पी ऑर्बिटल, क्या है ये, पी ऑर्बिटल है, ठीक है, पी ऑर्बिटल है, और इसके साथ में जो सिंगल बॉन्ड से एक कार्बन लगा हुआ है इससे आपके हाइड्रोजन लगे हुए, मान लो क्या लगे हुए हैं हाइड्रोजन, जब ये कैसा हो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, तो ये आपका कैसा हो जाएगा एस ऑर्बिटल, क्या है एस ऑर्बिटल, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं आपके, ये आ जाएंगे आपके सिग्मा पाई कंजुगेशन में, कहाँ जाएंगे सिग्मा पाई कंजुगेशन में, और ये कहाँ पहुँच जाएंगे, हल्के से किधर शिफ्ट हो जाएंगे आपके पी ऑर्बिटल की तरफ ये शिफ्ट हो जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके थोड़े आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यही क्या कहलाता है आपका, हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। ठीक है, कह रहा है हाइपर कंजुगेशन अर्थात सिग्मा और पाई संयुग्मन का ऑर्बिटल, तो ये कैसा आपका सिग्मा और ये कैसा आपका पाई ऑर्बिटल, इन दोनों का संयुग्मन आपस में हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल के द्वारा दर्शाया गया है इन्होंने, अभी हमने देखा था प्रोपीन, तो ये है आपका प्रोपीन, ठीक,
तो यहाँ पर आपका नंबर एक दे रखा है प्रोपीन, क्या दे रखा है प्रोपीन, ठीक है, जिसमें दो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा देखने को, और क्या होगा दो कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन नंबर वन ने दे दिया इसको, इसको हाइड्रोजन नंबर दो लिख दिया और इसको हाइड्रोजन नंबर तीन लिख दिया, ठीक है, सभी हाइड्रोजन को अलग से इनने इंगित कर दिया, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन और ये कैसा आपका तीसरा हाइड्रोजन, ये कार्बन है आपका, इस कार्बन से लगा हुआ जो कार्बन है वो कैसा है डबली बॉन्डेड, ठीक है, कैसा है डबल बॉन्डेड, यानी कि तो ये वाला सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा असंतृप्त, कैसा हो जाएगा असंतृप्त, ठीक है, यानी कि अनसेचुरेटेड। अब इसका इसका कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और इसका कौन सा होगा एस ऑर्बिटल, यानी कि या सिग्मा ऑर्बिटल, तो इन दोनों के बीच में संयुग्मन हो जाएगा, ठीक है, इसी को हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड लिख लो यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएगा थोड़ा पाई बॉन्ड की तरफ, यानी कि पी ऑर्बिटल की तरफ झुक जाएगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई संबंध नहीं रह जाएगा, इसके बीच का बॉन्ड यहाँ पर टूट गया है, ठीक है, क्या हो गया ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया है, और इस पर कैसा आ जाएगा प्लस का चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आपके, ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके थोड़े आगे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कैसा आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर कैसा आ जाएगा प्लस का, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में यानी कि कार्बन नंबर वन और टू के बीच में डबल बॉन्ड आपका अब जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ वाला बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए अगले वाले कार्बन पर पहुंच गए। अब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी उत्पन्न हो गई, यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस का, ये कैसा हो गया ध्रुव बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको ध्रुवण भी देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूल कैसा हो गया अब ध्रुवित हो गया, यानी कि पोलैरिटी इसमें जनरेट हो गई, जब ध्रुवित है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, ध्रुव आघूर्ण भी कुछ ना कुछ होगा। तो पहले का हाइड्रोजन नंबर वन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा है, ठीक है, तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं बचा, तो ये आपकी पोजीशन हो गई नंबर एक, ठीक, क्या नंबर एक। अब दूसरी अगर हम स्टेज की बात करें तो इसको हमने तीर द्वारा प्रदर्शित कर दिया है, कह रहा है इसमें कार्बन हाइड्रोजन प्लस में एक में कोई संबंध नहीं है, ठीक, पहले वाले हाइड्रोजन में संबंध नहीं है। दूसरी स्टेप आपकी ये आएगी कि जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है इसका कार्बन के साथ में कोई संबंध नहीं होगा, कब, जब ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक, और इस वाले में दोनों में क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन टूटेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे, जैसे ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो हाइड्रोजन था जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी वो फटाक से क्या कर लेगा इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, और बाकी सेम आपका ज्यों का त्यों रहेगा। तो अब क्या हुआ, पहले वाले हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। बाकी ये कार्बन हाइड्रोजन नंबर तीन और दो तीन लगा हुआ है अभी। इसके बाद अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये वाला तीसरे हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर चले जाएंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे हाइड्रोजन से मिलके क्या कर लेंगे बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पर तीसरे वाले हाइड्रोजन का कार्बन से कोई संबंध नहीं रह जाएगा और पहले दूसरे वाले हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आपका बन जाएगा, ठीक, तो ये पहले दूसरे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आपका बन चुका है। यहाँ पर ये आपका थर्ड बॉन्ड थर्ड हाइड्रोजन था तीसरा वाला, तो इस पर आपका कैसा आ जाएगा धनात्मक चार्ज आ जाएगा प्लस का चार्ज आ जाएगा और इसके बीच का बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ठीक, ये सिस्टम आपका ज्यों का त्यों रहेगा, कैसा रहेगा ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसमें बात ये आती है, ये कहाँ चला गया, कुछ तो इसमें जो आपका थर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉरी ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो थर्ड आपका स्ट्रक्चर है थर्ड संरचना है इसमें क्या है तीसरे वाले हाइड्रोजन के साथ में कोई संबंध कार्बन का नहीं है, ठीक है, तो इस पर कैसा आ जाएगा आपका प्लस का चार्ज और इस वाले कार्बन पे आपका कैसा आ जाएगा माइनस का चार्ज, ठीक है, तो इसी कारण इसमें क्या पोलैरिटी आपकी जनरेट हो जाती है, ठीक है, जब पोलैरिटी जनरेट हो जाती है तो इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ आपका होगा, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट ये इसको हम म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण गुण होता है वो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोपीन का
द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डायपोल मोमेंट किसका, प्रोपीन का, ठीक है, सी सी डबल बॉन्ड और सी, तो इसका कितना होता है 0.4 डी, कितना होता है 0.4 डी, डी यहाँ पर क्या डिवाई, क्या होता है डिवाई कहते हैं इसको, ठीक है, इतना डिवाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोपीन का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है या डायपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है आपका 0.4 डी होता है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है या ये कहता है कि प्रोपीन के हाइब्रिड के आयनिक, प्रोटीन के हाइब्रिड आयनिक रूपों का भी योगदान होता है, किसका, प्रोपीन के जो हाइब्रिड रूप होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ योगदान होता है, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में या हाइपर कंजुगेशन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है हाइपर कंजुगेशन अनुनाद के समान होता है, क्या होता है अनुनाद के समान होता है, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस, क्या कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस, ठीक है, यानी कि बिना बंध का अनुनाद, क्या कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस, बिना बंध का अनुनाद, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन अनुनाद के समान होता है और इसमें यौगिक की यौगिक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी हो जाता है, कैसा हो जाता है अधिक स्थायी आपका हो जाता है, सूत्र 2, 3 व 1 में कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में कोई बंध नहीं है, अभी हमने ऊपर देखा था पहले कार्बन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा, तीन स्ट्रक्चर देखे थे जिसमें हाइड्रोजन 1 और कार्बन, हाइड्रोजन 2 और कार्बन, हाइड्रोजन 3 और कार्बन, इनके बीच में कोई संबंध आपको देखने को नहीं मिला था या कोई बंध नहीं था, इसलिए इसे बिना बंध का, क्या कहते हैं बिना बंध का अनुनाद यानी कि नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। कह रहा है अनुनाद और हाइपर कंजुगेशन में प्रमुख अंतर यह है कि अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉनों या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अनुनाद में आपका पाई इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जबकि हाइपर कंजुगेशन में आपका क्या होता है केवल हाइड्रोजन कार्बन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, किसके, केवल हाइड्रोजन और कार्बन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में संयुग्मित तो हो जाते हैं, किसके साथ में, पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ में आपके ये संयुग्मित तो हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कह रहा है हाइपर कंजुगेशन प्रेरणिक प्रभाव से प्रबल होता है, कैसा होता है, ये जो हाइपर कंजुगेशन है ये प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट से अधिक प्रबल होता है, इसका मान अल्फा कार्बन से संलग्न हाइड्रोजन कार्बन बंध बंधों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि जितनी आपकी ये है आपका अल्फा कार्बन, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन आपका कैसा हो जाता है, ये अल्फा कार्बन है, इस पर जितने कार्बन लगे होंगे, ठीक है, जितने कार्बन आपके लगे होंगे उसी पर क्या निर्भर करता है, उसी पर ये हाइपर कंजुगेशन निर्भर करता है, ठीक है, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे ये उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा। कह रहा है इसकी संख्या जितनी अधिक होती है, कह रहा है हाइपर कंजुगेटिव संरचना या प्रभाव उतना ही आपका कैसा होगा, प्रबल होगा, यानी कि जितने भी आप जितने ज़्यादा इससे बॉन्ड लगे होंगे उतना ही ज़्यादा ये कैसा होगा आपका अधिक प्रबल होगा, ठीक है। अतः विभिन्न एल्किल समूहों के हाइपर कंजुगेशन प्रभाव का क्रम निम्नलिखित है, कुछ एल्किलिक समूह दे रखे हैं आपको जिनके हाइपर कंजुगेशन का जो ऑर्डर है, जो क्रम है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कह रहा विभिन्न एल्किल समूहों का हाइपर कंजुगेशन प्रभाव का क्रम निम्नलिखित है, यानी कि जितने ज़्यादा आपके हाइड्रोजन होंगे कंजुगेटम कंजुगेशन उतना ही आपका ज़्यादा होगा, प्रबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेथेन, किसकी, मेथेन की, तो मेथेन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, लेकिन सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए, अति संयुग्मित, कैसा होना चाहिए, असंतृप्त सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आपको दे रखा है CH3 CH2, अब ये जो CH2 है मान लो ये आपका CH3 है और ये आपका CH2 है, ये किससे लगा होगा, ये लगा होगा इस वाले कार्बन से, ठीक है, कौन से कार्बन से, सिग्मा अल्फा कार्बन से लगा होगा, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन से लगा होगा, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। ये सीधे डायरेक्ट किससे लगा होगा, सी डबल बॉन्ड CH2, अब ये का यही कार्बन आपका कैसा हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन आपका कैसा हो जाएगा, अल्फा, कब, जब ये लग जाएगा सी डबल बॉन्ड
CH2 से, तो यही वाले इस पे जितने हाइड्रोजन होंगे वही हाइपर कंजुगेशन में भाग लेंगे, तो इस पर कितने हाइड्रोजन रहेगा, केवल दो हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है आपके, तीन हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज़्यादा आपका प्रभावित होगा, ठीक है, यानी कि प्रबल होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिखा CH3 का होल ट्वाइस, क्या CH3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो कुछ इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, ये जी देखो, ये आपका हो गया, ठीक है। ये देखो CH और CH3 का होल ट्वाइल, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ CH, इस पर क्या लगा हुआ है आपका CH3 का होल ट्वाइल, यानी कि दो CH3 लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है, दो CH3 आपके लगे हुए हैं। ये किससे लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड CH2 से लगा हुआ है। अब ये जो कार्बन है आपका, ये कैसा हो जाएगा, अल्फा कार्बन, तो इससे केवल एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसमें कितने, इसमें कितना हाइड्रोजन रहेगा आपका, एक ही हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, तो इसका प्रभाव इससे कम हो जाएगा, ठीक। इसमें अगर हम बात करें तो आपको एक भी कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, क्या है, सी और CH3 का होल ट्वाइज, कार्बन से सिंगल बॉन्ड, और इस पर क्या लिखा हुआ है, CH3 का होल थ्राइज, क्या है, CH3 का होल थ्राइज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वाले कार्बन से, ये जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, तो इससे कोई भी हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं है, इसलिए इसका सबसे कम होगा, क्या होगा, इसका जो हाइपर कंजुगेशन प्रभाव है वो कैसा होगा, सबसे कम होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, CH3 CH3 CH2, फिर CH CH3 का होल ट्वाइज, फिर आपका आ जाएगा CCH3 का होल ट्वाइज, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन, इसमें आपके तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपके दो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आपका नहीं है, तो ये आपका प्रभाव हो जाएगा, ठीक। कह रहा है जबकि प्रेरणिक प्रभाव, यानी कि प्लस आई इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव की प्रबलता का क्रम इसके विपरीत होता है, कैसा होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है, ठीक है। वहाँ पर आपके जितने कम हाइड्रोजन होंगे वही क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट को उतना ही ज़्यादा शो करेगा। यहाँ पर देखो CH3 का होल थ्राइज, तो इस पर तीन CH3 लगे हुए हैं, तीन CH3 ग्रुप इस पर आपके लगे हुए हैं, देखो ये है आपका CH3 का होल थ्राइज, इस पर कितने CH3 ग्रुप लगे हुए हैं आपके, तीन CH3 ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन पे बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, किसी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक, उससे कम अधिकता कहाँ पर है, यहाँ पर कितने हैं, दो CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पर कितना लगा हुआ है, केवल एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल एक ही CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन से CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर केवल एक ही आपका मेथल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस आई, यानी कि प्रेरक प्रभाव का, प्रभाव का क्रम, ठीक है, प्रबलता का क्रम। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, CH3 का होल थ्राइज सी, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइज CH3 CH2, फिर क्या हो जाएगा आपका CH3। तो ये इनकी प्रबलता का क्रम हो जाएगा किसका, प्रेरक प्रभाव का, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और इसका अगर आपको PDF फॉर्म चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप PDF फॉर्म इसका डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।